हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अमेजन एकेडमी तो स्टूडेंट्स आज हम कार्बोहाइड्रेट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं और कौन से नहीं होते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं दे आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर दिस मॉलिक्यूल तो इसमें मोर देन वन ओएज ग्रुप्स हैं मोर देन वन ओएज ग्रुप्स हैं और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है सो दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ओके और इट कैन ऑल्सो भी पोलीहाइड्रोक्सी की पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन तो ऐसे कंपाउंड भी क्या होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सो कार्बोहाइड्रेट्स आर दोस कंपाउंड्स दो आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और दोस कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस

Usually, ये टेस्ट कौन शो करते हैं ये टेस्ट शो करते हैं एलडी ओके सो एल कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज अगर हम टॉलेंस रिएजेंट की बात करें तो द टू एजेंट इज एजी और ओ के साथ इट कन्वर्ट्स टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड विद द फॉर्मेशन ऑफ एजी इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर मिरर टेस्ट ओके और अगर हम फेलिंग सोल्यूशन की बात करते हैं तो देन एलडीहाइड्स रिएक्ट विद सीओ To convert into what वॉट bond oh डबल acid and cu2o which shows red color to upar kya milta hai तो ऊपर क्या मिलता है milta hai और नीचे क्या मिलता है the test जो हमें किस पर करना है इसको मैं थोड़ा बैलेंस करके लिख देता हूं सी यू टू एंड दिस तो इसको हमें लगाना है कार्बोहाइड्रेट पर इफ दे शो दिस टेस्ट देन दे आर रिड्यूसिंग शुगर सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कंपाउंड ए इट हैज एन एल ग्रुप एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है विच कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड तो मैं ये बोल सकता हूं कि इट इज रिड्यूसिंग शुगर इट इज रिड्यूसिंग शुगर बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर कंपाउंड बी जो है दिस इज इज अ कीटोन कीटोन एंड नॉट शो द द टेस्ट बट प्रॉब्लम इन बेसिक मीडियम इट कैन टोटोमराइज ओके तो ये टोटोमराइज हो जाता है और पहले इस फॉर्म में टॉटोमर बना लेता है ओके okay, तो आप ट्राइड बनाना या टॉटोमर बनाना जानते हैं और एक बार ये बना लेता है तो देन इट कैन टोटमराइज फर्दर टू फॉर्म दिस कंपाउंड सो स्टूडेंट्स वापस देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन है सी एच टू ओ एच एंड देन सी डबल बॉन्ड हो तो ये टोटोमराइज करके पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फिर फर्दर टॉटोमराइज होकर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता है सो यूजुअली कीटोन डू नॉट शो टॉलरस और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट

हमारे पास जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट उनमें से डी ग्लूकोज आप देखो सारे ओएच वन टू थ्री राइट में एक्सेप्ट सेकेंड नंबर पर जो ओएच है वो लेफ्ट साइड में अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाए इट इज वेरी इजी इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है इट विल शो वॉट टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट एंड इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर बट देन अगर क्या होता है कि जो एल्डिहाइड्स हैं और अल्कोहल्स हैं दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वॉट है तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी और जो एल्डिहाइड्स है और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके, करके साइक्लिक रिंग बना लेता है form, ऐसे दो बनते हैं बीटा डी ग्लूको एंड अल्फा डी ग्लूको बीटा में क्या रहता है ओ ऊपर रहता है और अल्फा डी ग्लूको में ओ नीचे रहता है

और इक्लिबियम में रहेगा तो हम इससे तो नहीं लेकिन इससे तो बोल सकते हैं इसमें ग्रुप है और ग्रुप है तो क्या होगा अगर ये नहीं बनाया होता केवल ये रहता. तो, कैसे करते तो आप हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं कैसे इट इज एमी एसिटल तो हेमी एसिटल अगर है तो वो टॉलेंसिंग टेस्ट देगा या रिड्यूसिंग शुगर होगा अगर वो कार्बोहाइड्रेट इसको प्रेडिक्ट करने के लिए क्या देखें एक ओएच OH होना चाहिए कार्बन पर एक एच होना चाहिए कार्बन पर एक कार्बन होना चाहिए मतलब एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए और एक ईथर होना चाहिए फिर से मैं बोल रहा हूं OH ठीक है तो चार ग्रुप अगर कार्बन पर है एक एच है एक ओ OH एच है ऐसे मॉलिक्यूल्स टॉलेंस फेलिंग टेस्ट देते हैं रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ओके अब हम बात करते हैं डी फ्रुक्टोज की डी फ्रुक्टोज में देखो डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज भी टोटोमराइज होंगे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी कि इस तरह का ग्रुप है अगर सी एच टू ओ एच सी डबल बॉन्ड हो तो ये टोटोमराइज करके डी फ्रुक्टोज डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है और ये भी क्या होगा रिड्यूसिंग शुगर होगा अगर आपसे पूछा जाए डी फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है तो आंसर इज यस ओके एंड अगेन यहां देखोगे तो ये ऑक्सीजन एटम तो दो अल्कोहल है ये कीटोन से रिएक्शन करके हेमीकीटल बना सकता है हम जानते हैं कीटोन की अल्कोहल की रिएक्शन होती है, क्या बनते है? और इसमें सी एच टू एच ऊपर है ओ OH एच नीचे है दिस इज बीटा फॉर्म अगर उल्टा हो जाए ओ OH एच ऊपर और सी एच टू एच नीचे आ जाए तो उसको बोलते हैं हम अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। तो ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में रहते हैं और ये डी ग्लूकोज के साथ इक्विबियम बनाता है तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए बच्चों क्या यह रिड्यूसिंग शुगर है तो आंसर इज यस बिकॉज इट रिमेंस इन द ओपन चेन फॉर्म ऑफ डी फ्रुक्टोज एंड डी फ्रुक्टोज रिमेन इन द ओपन चेन फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज तो ये इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भी टॉलन फेलिंग टेस्ट देगा और रिड्यूसिंग शुगर होगा ठीक है कुछ इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं जैसे आप देख करके बता पाए अगर ये क्वेश्चन दिया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्बोहाइड्रेट है आंसर इज यस इट इज एन एलडीहाइडिक ग्रुप एक से ज्यादा ओएच है इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एलडीहाइड एलडीहाइड है ये टोलन रिएजेंट टेस्ट देगा इट विल बी रेड्यूसिंग शुगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी देखो एल्डिहाइडिक एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्रुप है group है anyway, यहां पर एक दो तीन चार पांच बहुत सारे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज सो डी ग्लूकोज अभी हमने डिस्कस कर लिया इट विल शो टॉलेंस फेलिंग टेस्ट इट इज रिड्यूसिंग शुगर नेक्स्ट अपन देखें दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रुक्टोज क्वेश्चन अगर ऐसे दिया जाए बहुत मजा आ गया और इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो यहां पर ये यह, आपने ग्रुप देखा तो आपको समझना चाहिए कि इट विल टोटोमराइज टोटोमराइज करके एल्डिहाइडिक ग्रुप आ सकता है सो तो इट विल शो टॉल इन फेलिंग टेस्ट इट इज रिड्यूसिंग शुगर नेक्स्ट अपन देखें यस इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं बोल रहा था आपसे तो कार्बन पर आप क्या चेक करोगे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए एक एच और क्या होना चाहिए एक ओ OH, एच और क्या होना चाहिए एक ईथर आप चेक करो एक एच है एक ओ एच है एक ईथर है एंड यस दिस इज हेमी एसिटल

एंड इट इज नॉट ए रेड्यूसिंग शुगर ठीक है इट इज नॉट रेड्यूसिंग शुगर ध्यान रखना यह पूछा जा सकता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स अगेन इट इज ए साइक्लिक कंपाउंड एंड वी नीड टू चेक एन एटम कार्बन जिससे एच जुड़ा हुआ है ओ एक -E जुड़ा हुआ है अलकाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड वी हैव सच टाइप ऑफ कार्बन सो वी कैन कंक्लूड इट इज हैसिटल एंड वी कैन से इट इज रेड्यूसिंग शुगर ओके स्टूडेंट्स कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसको हम डायक्राइड बोलते हैं दो साइक्लिक रिंग आपस में जुड़ी हुई है ठीके? तो अब आपको चेक करना है इनमें से कोई एक साइकलिक रिंग आप चेक कर लीजिए जिसमें हेमीएसिटल हो ठीक है हो आप चेक कर लीजिए जैसे बच्चों यहां देखो एच है ओ OH एच है अलकाइल ग्रुप है और इथर ग्रुप है चारो ग्रुप है यहाँ पर सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो

रेड्यूसिंग शुगर और नॉट ओपन चेन में साइक्लिक में हम कर सकते हैं सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डी ग्लूकोज एंड टॉट इन बेसिक मीडियम सो दिसक सुक्रोज तो आप देखोगे की यहां पर जो कार्बन आइटम था किसमें डी ग्लूकोज में सॉरी अल्फा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज में वो ईथर लिंकेज बना रहा है दिस लिंकेज इज नॉन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिस लिंकेज इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वैसे ही देखो बीटाडी फ्रुक्टोफ्यूरोनोज का भी जो कार्बन था जो पार्टिसिपेट कर रहा था किसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में एनोमेरिक कार्बन था ये वाला वो भी पार्टिसिपेट कर गया सो देर इज नो सच टाइप ऑफ ग्रुप हेमी एसिटल प्रेजेंट ओवर हियर इनफैक्ट जो ग्लूकोज की हमने बात करी थी कि ये कार्बन से हम यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन करा सकते हैं या इससे ये क्या होगा बैकवर्ड जा सकता है कैसे बाय एलिमिनेशन ऑफ H प्लस नेगेटिव आएगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये बाहर चला जाएगा तो ये जो एनोमेरिक कार्बन है इसका होना जरूरी है अगर ये होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है बट यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों की ये एनोमेरिक कार्बन फ्रुक्टोज का साइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज का और ग्लूकोस का दोनों यूज हो गए किसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के कारण और अब इनका रिवर्स हो पाना या रिवर्सिबल रिएक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं है बेसिक मीडियम में पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज ईथर लिंकेज एंड ईथर्स आर इट टू बेसिस सो इन सच केसेस वी कैन से कि ये टॉलेंस या फेलिंग टेस्ट जो नहीं करेगा नो no टोलेंस टेस्ट नो no फेलिंग टेस्ट और अगर ये टेस्ट शो नहीं करेगा

बट जो हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा इसमें देखो कि यहां पर एच है ओ OH एच है अल्काइल है OR है इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स जो ओपन चेन आपने देखा एल डी हाइड है एल डी हाइड है मतलब इस तरह का ग्रुप है सी एच टू में मजा आ गया क्योंकि हमने टॉटमराइज करके बताया साइक्लिक देखा हेमीएसिटल मजा आ गया इसमें हेमिसटल नहीं है तो नहीं होगा इसमें हेमीसीटल है तो हो जाएगा इसमें हेमीएसिटल है, तो है तो हो जाएगा बट दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड कि यहां पर अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से हमने एक डायसेक्राइड बनाया और दोनों के एनोमेरिक कार्बन को ऑक्यूपाई करा दिया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के लिए अब यहां पे कोई हेमसीटल लिंकेज नहीं है ठीक uh, है ग्लूकोज जो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है इट इज ऑल्सो इट विल ऑल्सो नॉट शो टॉलेंस फेलिंग टेस्ट एंड इट इज बिकॉज की यहां पर जो एनोमेरिक कार्बन था वही रीजन था कि वो बैकवर्ड जा सकता है और उसको हमने यहाँ पे ऑक्यूपाई करा दिया ऑक्यूपाई करने से क्या होगा नाउ इट विल नॉट शो टॉलेंस फेलिंग टेस्ट एंड इट इज नॉट ए रेड्यूसिंग शुगर ओके स्टूडेंट्स सो हैप्पी लर्निंग थैंक यू वेरी मच बाय बाय फॉर डिटेल वीडियो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड लाइफ चैट विजिट अकेडमी डॉट एमेजॉन डॉट इन और डाउनलोड दी